दोस्तों, आज मैं आपके साथ लोहे के काले पड़े तवे को साफ करने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप चुटकियों में लोहे के काले पड़े हुए तवे को आसानी से साफ कर सकते हैं। पहले आप मेरा ये तवा देख लीजिए। ये देखिए, ये तवा मेरा किस तरह से शीशे की तरह चमचमा रहा है। और अब मैं आपको वो अपना पुराना तवा दिखाती हूँ। ये देखिए कितना काला है। ये देखिए, घर में जो हम खाना बनाते हैं, पराठे वराठे सेकते हैं ना, तो उसकी तेल चिकनाई इस पे लग जाती है। और ये देखिए कितना काला हो जाता है। देख लीजिए कितना काला मेरा ये तवा पड़ चुका है। तो इसे अब हम चुटकियों में साफ करेंगे। ऐसा आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, अक्सर हम सब लोगों के घरों में लोहे के तवे इसी तरह से ये काले पड़ जाते हैं, क्योंकि हम पूरी पराठे वगैरह बनाते हैं, उसकी वजह से तेल की चिकनाहट इसमें लग जाती है। और ये देखिए कितने काले हो जाते हैं। ये लोहे के इस काले पड़े तवे को साफ करने का एक जादुई तरीका मैं आज आपको बताती हूँ। तो तवे को साफ करने के लिए सबसे पहले मैंने इस पर यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसे साफ करने के लिए पहली चीज मैंने ली है ये पीताम्बरी पाउडर। ये आपको आसानी से किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा। वैसे तो ये पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल आता है, लेकिन आप इससे किसी तरह के बर्तन भी साफ कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ये पीताम्बरी पाउडर हम डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर फैल गया है, तो इसे पूरे तवे पर फैला लेते हैं। पूरे तवे पर इसे फैला लेंगे। और तवे को साफ करने के लिए दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ली है ये स्टैंड पेपर। इसे स्टैंड पेपर कह लीजिए या फिर लोहे का रेकमार। ये आसानी से आपको हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा। एकदम से इस तरह से खुरदरा सा होता है। आप दुकानदार से कह दीजिए कि आपको लोहे वाला रेकमार चाहिए, तो वो आपको दे देगा। ये देखिए, इसे फाड़ लेते हैं। देखिए, इसका आधे रेकमार का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए बहुत खुरदरा ये होता है। तो इससे आप यहाँ पर हल्के हाथों से यहाँ पर हम तवे को रगड़ेंगे। ये देखिए, और आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं इसे रगड़ती जाऊंगी वैसे वैसे ये साफ होता जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने वीडियो का कोई भी पार्ट काटा नहीं है, लेकिन वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में चला दिया है ताकि मैं आपको जल्दी से दिखा सकूं। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से हम इसे रगड़ रगड़ कर साफ कर लेंगे। बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है। एक मिनट लगेगा आपको मुश्किल से, और आपका तवा बिल्कुल चमचमाता नया जैसा हो जाएगा। चारों तरफ से इसे रगड़ लेंगे खूब अच्छे से। ये देखिए, तवे को मैंने यहाँ पर अच्छे से रगड़ लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर जो तेल की चिकनाई वगैरह जमी हुई थी, वो देखिए किस तरह से ये सब लोहे का जो ये जंग वगैरह था काला, ये सब साफ हो गया है। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा तवा किस तरह से ये साफ हो चुका है। ये देखिए एकदम चमचमाता हुआ। तो इस पानी को फेंक देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तवा हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन मुझे इस पर कहीं कहीं पर ये एक आध दाग लग रहे हैं। तो एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं। ये देखिए, ताकि जिसमें बचे कुछ दाग हैं ये काले, वो भी सारे छूट जाएं। और ये देखिए तवा हमारा साफ हो चुका है। तो इस पर फिर से थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। और ये देखिए, इसके जो बचे कुचे दाग थे वो भी पूरा साफ हो चुके हैं। ये देखिए, तो मैं आपको तवे को धोकर दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा तवा कैसे एकदम से ये चमचमा रहा है, जैसे ये स्टील का तवा हो, इसमें ऐसे इतना चमचमा रहा है। ये देखिए, इसमें चेहरा भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और पहले ये किस तरह से एकदम से काला पड़ चुका था। तो जब भी आप लोहे का तवा या कढ़ाई कोई भी बर्तन साफ करें, तो उसे इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लें, नहीं तो पानी की बूंदें रह जाती हैं और उसकी वजह से फिर से तवे में जंग सा लग जाता है। ये देखिए हमारा चमचमाता लोहे का तवा देखिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।